आज हम करेंगे पीट्स की हिस्ट्री डिस्कस। इसमें मैं आपको ना सबसे पहले टेम्पलेट दिखा देती हूँ कि कैसे फॉर्मेट बेसिकली कि पीट्स की हिस्ट्री कैसे लेनी है, और फिर उसके बाद मैं आपको एक एट द सैम्पल एक आपको हिस्ट्री दिखा दूँगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट की। आपने जो है बायोडाटा लेना है, जिसमें उसका नेम पूछना है, नाम, उसकी उम्र, ठीक है, हिस्ट्री किसने दी है, कि अगर उसके साथ बच्चे के पेरेंट्स हैं, फादर हैं, मदर हैं, तो आपने लिख देना है अकम्पनीड बाय फादर या फिर मदर। जेंडर मेल है, फीमेल है। डेट जो है, किस दिन जो है वो एडमिट हुआ है, 4 अप्रैल को फॉर एग्जांपल एडमिट हुआ है एमरजेंसी में या ओपीडी में, ये भी लिखना है, और कहाँ से आया है, एड्रेस उसका पूछ लेना है आपने। ये सारा बायोडाटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखनी है। जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है मैक्सिमम 3 कर लें, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर 2 भी वैसे इनफ है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप 2 ही लिख लें, ठीक है, बेहतर ये। उसके बाद आ जाती है जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, उसके जो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। जैसे फीवर फॉर 3 डेज़ है, तो आपने उसका ओडी पारा करना है फीवर का, और अगर सोर थ्रोट है फॉर 3 डेज़ आगे, उसका भी आपने दोनों का अलग अलग ओडी पारा करना है। ओडी पारा स्टैंड फॉर ओ फॉर ऑनसेट, डी फॉर ड्यूरेशन, पी फॉर प्रोग्रेशन, ए फॉर एलिवेटिंग फैक्टर, आर फॉर रिलीविंग फैक्टर, ए फॉर एसोसिएटेड फैक्टर, ठीक है। ये भी मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊंगी ना एक, तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ओडी पारा के बाद आपने जो है सारे सिस्टम्स का जो है वो करना है, रिव्यू करना है। सबसे पहले जनरल आ जाएगा कि कोई आपको अपने वेट में जो है चेंज तो नहीं महसूस हुआ, और भूख जो है कम हो गई हो, वीकनेस, थकन, बुखार। फिर आपने कान से लेके नीचे तक सारा सिस्टम करना है। कान में आपने पूछ लेना है कि कोई आपको जो है सुनने में जो है बच्चे को मसला होता हो, कोई कान में इन्फेक्शन रहता हो, कुछ कान से बहता हो, सांस लेने में मुश्किल होता हो, कुछ और हराटे लेता हो, नाक से खून निकलता हो, ठीक है, और मुंह में छाले बनते हो। उसके बाद GIT पे आ जाएं। GIT पे आपने कहना है कि दिल ख़राब होता हो, ठीक है, और जलन होती हो सीने में, उल्टी आती हो। अगर उल्टी उसे आती है तो आपने उल्टी का पूछना है कि दिन में कितनी दफ़ा आती है, कितनी एपिसोड्स होती हैं, और जो है उसका रंग पूछ लेना है, खून का, सॉरी वॉमिट का, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल है, नॉन प्रोजेक्टाइल है, कि पास गिरती है उल्टी के, दूर जाके गिरती है, ठीक है। पेट में दर्द पूछ लेनी है, और कब्ज रहती है या फिर पेट खराब रहता है, ठीक है, और जो है स्टूल में खून का पूछ लेना आपने, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी में खांसी जो है, खांसी होती हो, खांसी में खून आता हो, ठीक है, और छाती में दर्द रहता हो, CVS का आपने पूछ लेना है, चक्कर आते हैं, और दिल की धड़कन तेज़ होती हो। यूरिनरी सिस्टम में आपने पूछ लेना है कि पेशाब जो है जल के तो नहीं आता, उसमें खून तो नहीं आता, ठीक है। बेड वेटिंग का पूछ लेना है, और पॉलीयूरिया का पूछ लेना है कि दिन में कितनी दफ़ा जो है वॉशरूम जाना होता है, जाना पड़ता है, ठीक है। CNS में आपने जो है पूछ लेना है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसे झटके तो नहीं पड़ते, पट्ठों में दर्द होती हो, ठीक है, और इसके अलावा सर में दर्द, ठीक है। मस्क्यूलोस्केलेटल में आपने पूछ लेना है जोड़ों में दर्द होती हो, कोई सूजन होती हो, और जो है बाजू और जो वो टांगे हैं उनकी हरकत ठीक होती है, चलने में कोई मसला, और स्किन में जो है जिल्द पे कोई तरफड़ तो नहीं बन जाते, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारी सिस्टम का भी कर लिया, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन, उसकी हिस्ट्री सिस्टम वाइज हो गया। उसके बाद आ जाती है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में आपने पूछ लेना है कोई शुगर का मसला हो, TB, हेपेटाइटस, अस्थमा, कैंसर, ठीक है, ये सब कुछ आपने पूछ लेना है। उसके बाद सर्जिकल हिस्ट्री में आपने पूछना है कि कोई पिछली जो है सर्जरी तो नहीं हुई, या फिर कोई खून लगा। उसके बाद बर्थ हिस्ट्री है, ये आपने मोटी मोटी ले लेनी है, कि प्रीनेटल आपने पूछ लेना है कोई कि माँ की प्रेगनेंसी के वक्त जो है उन्हें कोई मसला हुआ हो, ठीक है, उनकी कितनी प्रेगनेंसीज हैं प्रीवियस, ठीक है। नेटल में आपने पूछ लेना है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी घर हुई थी या फिर हॉस्पिटल हुई थी, और बेबी जो है उसकी कंडीशन पूछ लेनी है, और हाँ ये ज़रूर पूछना है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी के बाद के वेजाइनल थी या नॉर्मल थी या फिर C-सेक्शन था, ठीक है, और पैदाइश के वक्त जो बच्चा है उसका जो है वो वेट पूछ लेना है, नॉर्मल था, ठीक है, लेंथ ऑफ लेबर जो है नॉर्मल थी या प्रोलॉन्ग थी, माँ को बुखार वगैरह हुआ था, ठीक है,
ये आपने पूछ लेना है। उसके बाद नेटल हिस्ट्री, ठीक है। अब उसके बाद आपने उसकी फीडिंग हिस्ट्री पूछनी है, एक सेकेंड। फिर आपने पूछ लेना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब स्टार्ट की थी, दिन में कितनी दफ़ा दूध पिलाती हैं, और टोटल ड्यूरेशन जो है कब तक, 6 महीने तक कब तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल फीडिंग, अगर वो काउ मिल्क ले रहा है तो उसका आपने पूछ लेना है, उसमें कितना टाइप ऑफ मिल्क में आप मिल्क देना है, काउ मिल्क डाइल्यूशन जो है कितना पानी मिलाते हैं, और दिन में कितनी दफ़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड्स कितनी दफ़ा देते हैं, वीनिंग आपने कब स्टार्ट की है, ठीक है। वीनिंग में क्या देते हैं, केला मैश करके देते हैं, क्या देते हैं, कितनी दफ़ा दिन में देते हैं, और फ़िलहाल वो क्या ले रहे हैं। इम्यूनाइजेशन है, अगर 1 साल के है तो तब तक सारी उसे वैक्सीन्स लग गई हैं या नहीं लगी। मेडिकेशंस हिस्ट्री जो है, कोई दवाई वो लेता उसका आपने लिखने लगे। डिवेलपमेंटल हिस्ट्री है, ठीक है। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल का, तो आप क्या क्या उसमें ले सकते हैं। उसने गर्दन जो है वो आपने पूछना है, उसने अपने सही टाइम पे जो है गर्दन संभालना शुरू की है, नेक होल्डिंग 3 मंथ्स पे होती है, ठीक है। और इसके अलावा वो बैठता जो है, उसने बगैर सपोर्ट के जो है बच्चा, उसने कब बैठना शुरू किया, तो ये सारा जो है आपने डिवेलपमेंटल हिस्ट्री ले लेनी है। उसके बाद एज ऑफ मदर, एज ऑफ फादर, इसमें आपने फैमिली हिस्ट्री में आपने पूछ लेना है, कोई डायबिटीज़ का मसला हो, हाइपरटेंशन का, एस्थमा वगैरह, ठीक है। और उसके बहन भाइयों का पूछ लेना है, उनकी उम्र भी पूछ लेनी है। इसके बाद कोई फैमिली में जो है डिजीज़ जो है, कोई डेथ हुई हो, ठीक है, कज़न मैरिज का पूछ लेना है उसके पेरेंट्स की। उसके बाद सोशल हिस्ट्री में एजुकेशनल स्टेटस पूछ लेना है, मदर फादर का मंथली इनकम पूछ लेनी है। एनवायरमेंटल हिस्ट्री में पूछना है कि घर अपना है और या फिर किराए का है, उसमें कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं। वाटर सप्लाई का पूछ लेना है कि साफ़ पानी आता है, नलके का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो इस तरह से आपने पूछ लेना है। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है, पर्सनल हिस्ट्री में चाइल्ड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड आ जाता है, एट होम और स्कूल चिड़चिड़ाहट तो नहीं होती, उसकी क्या हैबिट्स और इंटरेस्ट, वो क्या करना, खेलना, क्या खेलना पसंद करता है, क्या उसकी जो है इंटरेस्ट है, ठीक है। स्कूल परफॉर्मेंस पूछ लेनी है, तो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन, बायोडाटा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, हिस्ट्री है ओडीपाड़ा वाली, फिर उसका रिव्यू है सिस्टम का, बर्थ हिस्ट्री है और फीडिंग हिस्ट्री है, ठीक है। फीडिंग हिस्ट्री के बाद क्या है, बर्थ हिस्ट्री भी हो गया, फीडिंग हिस्ट्री आ जाती है, और इम्यूनाइजेशन, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, सोशल, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में मैं आपको जो हूँ ना सैम्पल दिखा देती हूँ।